नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे गर्मी को लेकर। बिहार समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। बिहार में अब लोगों ने रात में भी पंखा चलाना शुरू कर दिया है। हालांकि कहा जा रहा था कि होली तक लोगों को हल्की हल्की ठंड का एहसास होता था, लेकिन इस बार गर्मी की तपिश इतनी है कि ठंड का एहसास हो ही नहीं रहा है। अब आपके दिमाग में यह बात चल रहा होगा कि आखिर बिहार में गर्मी इतनी जल्दी कैसे आ गई। तो दरअसल इसका कनेक्शन राजस्थान कनेक्शन है। बिहार की ही तरह राजस्थान में भी इस समय खूब गर्मी पड़ रही है। राजस्थान का पारा 40 के पार पहुंच गया है। ऐसे में जो बात कही जा रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि राजस्थान में बने प्रति चक्रवात के प्रभाव के कारण बिहार में 17 मार्च से राजस्थान वाली गर्मी पड़नी शुरू हो जाएगी। इधर मौसम विभाग ने भी साफ साफ कहा है कि आने वाले दिनों में बिहार में पारा 40 के आसपास पहुंच जाएगा। इन दिनों राजस्थान में समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक एक प्रति चक्रवात का क्षेत्र बना हुआ है। इधर मौसम विभाग का कहना है कि यही वह स्थिति है जिसके कारण गर्मी बढ़ी हुई है। प्रति चक्रवात के कारण प्रदेश में गर्म हवा का प्रभाव है, जिससे कि मौसम पूरी तरह से शुष्क बना हुआ है। पटना मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान में सक्रिय हो रही प्रति चक्रवात के प्रभाव के कारण बिहार में पारा 40 के पार हो सकता है। प्रदेश में 16 और 17 मार्च को मौसम सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान करेगा। विभाग की माने तो तापमान में 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यही वह कारण है जिसमें कि यह कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में तापमान जो है, यानी कि पारा जो है, वह 40 के पार हो जाएगा। अगर हम बिहार की बात कर लें तो यहाँ हवा का प्रभाव 1.5 किलोमीटर ऊपर बह रहा है। बिहार में इन दिनों पछुआ एवं उत्तर पछुआ हवा का प्रभाव जारी है, जबकि एक चक्रवात परिसंचरण का क्षेत्र समुद्र तल से 1 किलोमीटर एवं 5.8 किलोमीटर के बीच दक्षिणी पूर्व उत्तर प्रदेश एवं समीपवर्ती बिहार में स्थित है। हालांकि इसका प्रभाव राज्य में देखने को नहीं मिलेगा। विभाग ने प्रदेश और देश में मौसम के मिजाज को देखते हुए कहा है कि अगले 5 दिनों तक बिहार में मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। प्रदेश में बढ़ते तापमान को देखते हुए यह भी कहा गया है कि प्रदेश के कई जिलों में रिकॉर्ड टूटा है गर्मी का। इसका असर बिहार में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बिहार में बढ़ते गर्मी के कारण राजस्थान में प्रति चक्रवात का क्षेत्र बनना बताया जा रहा है। बिहार में इस साल ठंड भी सबसे लंबे समय तक रही थी। बता दें कि ठंड का अमूमन फरवरी महीने की शुरुआत में कम होने लगता है, लेकिन इस बार ठंड फरवरी मध्य तक देखने को मिली, जिससे कि लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। अब जब गर्मी की शुरुआत हुई है तो शुरुआत से ही पारा 40 डिग्री के पास पहुंचने लगा है। इस समय लोग सुबह सुबह धूप सेकते थे, लेकिन इस बार लोग सुबह सुबह काम जल्दी निपटा रहे हैं ताकि दोपहर में वे धूप से बच सके। तो ऐसे में एक तरह से कह लें कि अभी होली का समय है और इस दौरान जो है गर्मी इतनी है कि कहा जा रहा है कि 40 डिग्री का पारा जो है वो भी पार कर जाएगा। इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में जो है परिसंचरण का क्षेत्र जो है वो बना है, जिसके कारण जो है तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।